रूस और यूक्रेन के बाद अब इसराइल और हमास की जंग पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। खबर मिलने तक इस जंग में दोनों तरफ से 2500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 5000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इसराइल और हमास की जंग के बीच अब लेबनान के संगठन हिजबुल्ला ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिका ने अगर सीधे तौर पर जंग में दखल दी तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर देंगे, क्योंकि फिलिस्तीनी यूक्रेन नहीं है। वहीं इस जंग के बीच हमास ने क्लेम किया है कि उन्होंने 150 से ज्यादा लोगों को अगवा कर लिया है और इन्हें गाजा पट्टी में सुरंगों में रखा है, जिससे वो बंदूकों का इस्तेमाल मानव ढाल के रूप में करेगा ताकि इसराइल उन पर हमला करे तो उनके ही लोग मारे जाएं, ना कि हमारे। इसराइल की डिफेंस फोर्स ने बताया कि बंदूकों में महिलाएं, बच्चे और परिवार शामिल है। हालांकि इसके बावजूद भी इसराइल बिना घबराए हमास से जुड़े ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इसराइल को समर्थन देने की बात कही है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि इसराइल की मदद के लिए हमारे जहाज और लड़ाकू विमान उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। हमने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को अलर्ट कर दिया है। इसराइल से आई एक रिपोर्ट के अनुसार इसराइल की 7-8 लोकेशन पर लड़ाई जारी है, जिसमें उनके 80 से ज्यादा सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। इससे पहले इसराइल की सेना ने बताया कि हमने गाजा के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है और उसे पूरी तरह से सील कर दिया है। सेना ने रात भर गाजा में 200 जगहों पर स्ट्राइक की, जिसके चलते अब तक हमास के 1500 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं, जबकि इसराइल के 130 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है।